धौसरा ब्लॉक कांग्रेस के तत्वाधान में नगर में बुधवार को कार्यकर्ताओं ने शाम 4 बजे स्थानीय सभा चौक पर विधायक हरदीप सिंह डंग के फोटो पर पहले काली पोती और उसके बाद जूते की माला पहनाकर पुतला दहन कर पैरों से रौंदा। विधायक के गृह नगर में इस तरह का यह पहला विरोध दर्ज कराया गया। प्रदेश कांग्रेस के निर्देश पर ब्लॉक कांग्रेस के द्वारा यह विरोध प्रदर्शन किया गया। विरोध प्रदर्शन को संबोधित करते हुए जिला कांग्रेस के कार्यवाहक अध्यक्ष राकेश पाटीदार ने कहा कि विधायक हरदीप सिंह डंक गद्दार हैं, उन्होंने रुपयों के लिए पार्टी और कार्यकर्ताओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। कांग्रेस पार्टी ने उन्हें 3 बार विधानसभा के लिए टिकट दिया, 2 बार विधायक भी इसी पार्टी से की बदौलत बने। इसके बावजूद उन्होंने कार्यकर्ताओं की मेहनत व प्यार को मिट्टी में मिला दिया। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष परमेश्वर पाटीदार ने कहा कि मुख्यमंत्री कमलनाथ ने क्षेत्र में आई प्राकृतिक आपदा के दौरान पूरी विधानसभा के किसानों को 100% मुआवजा दिया, हजारों किसानों के ऋण माफ किए, लेकिन विधायक ने अपने स्वार्थ के खाते सौदेबाजी कर सरकार को संकट में डाल दिया। क्षेत्र की जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। कांग्रेस के प्रदर्शन के बाद नगर परिषद के कर्मचारियों ने सभा चौक पर लगे विधायक के कालिक पोते पोस्टर को वहां से हटाया। प्रदर्शन के दौरान पूर्व जिला पंचायत सदस्य गिरीश वर्मा, वल्लभ प्रसाद देवड़ा, मंडल अध्यक्ष अभय जैन, शिवनारायण घोटाला, राहुल जैन, शुभम चौधरी सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। सुहासरा से पीयूष गुप्ता की रिपोर्ट। और कांग्रेस के नेताओं से उनको मिलने नहीं दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी की एक राजनीति और सत्ता पाने के लिए ये कहीं ना कहीं रणनीति है। कांग्रेस पार्टी आज उसका विरोध प्रदर्शन करती है। कांग्रेस के समस्त कार्यकर्ताओं के द्वारा आज यह विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। उसी कड़ी में हमारे बीच में हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व जिला पंचायत सदस्य मंडल गिरीश वर्मा साहब हमारे बीच में है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वर्तमान सत्ताक्रम की राजनीति के ऊपर वो सत्ता जो 15 दिन से जो घटनाक्रम चल रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा और उसमें हमारे सुहासरा के पूर्व विधायक जिसको हम वर्तमान विधायक तो कह नहीं सकते, जो इस घटनाक्रम के मुख्य मुखिया होते हुए उन्होंने गरीब किसान मजदूरों का हक मारा और जिस तरीके से वो कमलनाथ जी की सरकार पे आरोप लगा रहे हैं वो निराधार है, क्योंकि कमलनाथ जी ने बिना सशर्त सबसे पहले अगर प्रकृति आपदा में पूरा मुआवजा दिया तो बिना सर्वे वर्वे के मंदसौर जिले में दिया और सुहासरा विधानसभा में दिया, और उनकी हर क्षेत्र हर मांग को कमलनाथ जी ने पहले पूरी प्रायोरिटी से लिया और इस क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा अग्रणी रहे, और उन्होंने जो आरोप लगाए वो निराधार है। हम ऐसे गौर गद्दार विधायक जो करोड़ों के उनके ऊपर लालचन लग रहे ऐसे विधायक की निंदा करते हैं। जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ। प्रदर्शन किया गया, उनके पोस्टर को कालीन पोती गई, उनको जूते की माला पहनाई गई और उनके पोस्टरों को आग के हवाले किया गया, क्योंकि सारे कार्यकर्ता और क्षेत्र की जनता में बहुत भयंकर रोष है और सारी क्षेत्र की जनता आने वाले समय में जब वो क्षेत्र के बीच में जाएंगे, ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगे, तो उस समय भी हर गांव में इनका पुतला दहन होगा और हर गांव में विरोध प्रदर्शन होगा। वो कमलनाथ की देन है साथियों, कई प्रकार की कई योजनाएं माननीय कमलनाथ ने दी है, लेकिन ये कहीं ना कहीं दबाव में आकर कहीं ना कहीं प्रलोभन में आकर उन भले शब्दों में निंदा करते हैं और कार्यकर्ता उनका धिक्कारते हैं। इन्हीं भावनाओं के साथ ये विरोध प्रदर्शन ये समाप्त करते हैं। इन्हीं भावनाओं के साथ जय हिंद जय भारत। अरे वादी में तो यार काड़ी कर दो, करो काड़ी करो थोड़ा पाचे तो आओ यार। अरे
अरे सुबह हम छोटी अरे कागज लगा रहे छोटी जगह कहीं रही हो कागज लगा के अरे जूता को पुष्टो मंगा लो यार आइयो आइयो हाँ ठीक है ठीक है गाड़ी चले ना गाड़ी बोले एक्सरसाइज भी चल लो राम 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 राम।